Hello, students, welcome you all. Hello, hello, students, welcome you all in our online classes. My name is Abhinandan Tayal, and I'm going to present MCQs over miscellaneous topics. We will cover a range of topics history, geography, polity, economics, and all current affairs. Also, but today's we are having history questions. सो वी विल स्टार्ट इजी क्वेश्चन द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन, ठीक है जो गांधी इरविन का समझौता हुआ था वह किस वर्ष हुआ था ओके चलो मैं कुछ आपको बता देता हूं उसके बारे में गांधी इरविन पैक्ट के बारे में ठीक है इरविन जो उस समय के वॉइस रॉय थे इंडिया के ठीक है और उन्होंने क्या किया था गांधी जी के साथ समझौता किया था अब समझौता करने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि गांधी जी ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था फेमस अल्टीमेटम इलेवन पॉइंट्स अल्टीमेटम उसमें गांधी जी ने इलेवन पॉइंट्स में अपनी डिमांड रखी थी क्या डिमांड थी जैसे कि सॉल्ट टैक्स को आप कम करो आप मिलिट्री पे जो खर्चा कर रहे हो उसे कम करो और इस तरह की बहुत सारी इलेवन डिमांड्स थी और ब्रिटिशर्स को उन्होंने क्या दिया था एक अल्टीमेटम दिया था कि या तो मेरी डिमांड एक्सेप्ट कर लो अदरवाइज मैं सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट या सविन्य अवज्ञा आंदोलन क्या करने वाला हूं शुरू करने वाला हूं जो कि उन्होंने किया भी ठीक है और इसी वजह से हमने क्या नहीं किया हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया बट जो लॉर्ड अरविंद थे उस समय के वॉयस रॉय थे उन्होंने गांधी जी के साथ समझौता किया और कांग्रेस को मना लिया कि आप क्या होगे आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या गोलमेज सम्मेलन में सेकेंड गोल मेज सम्मेलन में हिस्सेदारी लोगे ठीक है तो गांधी जी के बीच में इरविन के बीच समझौता हुआ कुछ बात गांधी जी ने मानी होगी कुछ बात इरविन ने मानी होगी ठीक है जैसे गांधी जी की कौन सी बात मानी गई गांधी जी की बात मानी गई कि आप क्या करोगे जो आपने के दौरान जो को पकड़े थे, आप, आप, करो? आप टैक्स ले रहे हो उसे हटा दो ठीक है कुछ डिमांड गांधी जी की इरविन ने नहीं मानी जैसे कि भगत सिंह को छोड़ दो ठीक है क्वेश्चन ये है कि गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वो निम्न में से किस वर्ष में हुआ था ओके okay, कमलकांत शाक्या विशाल अंशुल जदौन कमल इट क्या है इसका आंसर विशाल बोल रहे हैं इट इज बी मनीष यादव बी कमल कांत शाक्या सिंह डी ओके okay. बच्चों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने टेलीग्राम चैनल जहां पे भी है ठीक है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो ठीक है ओके सही बच्चे कुछ सभी बच्चे अधिकतर सही आंसर दे रहे हैं इसका आंसर है नाइनटीन तो हमें सब समझ में आ गया कि गांधी समझौता क्यों हुआ और कैसे हुआ और किस वर्ष में हुआ ठीक है चलो एक और यही चीज का क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट ओके okay. तो ये क्वेश्चन है हमारा बच्चे देखो कभी कभाक हमारे क्वेश्चंस में क्या होता है जैसे मैं आपको क्या सिखा रहा हूं आर टू तो सॉल्व एमसीक्यूज़ कभी-कभार ऐसा होता है कि हमें सारे स्टेटमेंट्स सही लगते हैं बट उसमें माइनर मिस्टेक होती है माइन्यूट सी मिस्टेक होती है तो हमें क्या करना होता है हमें उस माइन्यूट सी मिस्टेक को पकड़ना होता है सबसे कमजोर स्टेटमेंट पकड़ना होता है ठीक है चलो पढ़ लेते हैं आपको बताना है देखो सबसे पहले पकड़ना है नॉट क्या सही नहीं है द रोल एक्ट अ वे पॉपुलर एंटीजनेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग ओके okay?

नो 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 वकील, no दलील, no अपील, ठीक है? आप किसी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के दो साल तक जेल में बंद कर दो, okay. दो, दो पर्सन थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक उन्हें क्या कर लिया था उन्हें अरेस्ट कर लिया था और उसके विरुद्ध कहा हुए थे जलियन वाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे तो पहला स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है ओके okay. Uh, सभी बच्चे इसका आंसर बी बिहारी मंगजीत कुमार अंशुल जदौन हर्षवर्धन ओके बच्चे थोड़ा और फास्ट कर लेंगे ओके फॉरवर्ड ब्लॉक किस था सबको पता है ठीक है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी जब उन्होंने क्या किया था जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था नेक्स्ट भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी यस की थी बट आपको यह याद रखना होगा सोशलिस्ट वर्ड एड किसने किया भगत सिंह ने किया बट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी ठीक है तो जब तीनों स्टेटमेंट ये ऊपर के सही हैं इजी वाले तो आपको डी पता हो या ना पता हो आंसर तो यही होना है तो जिन बच्चों ने इसका आंसर डी दिया था मंजीत कुमार बिहारी कमलकांत शाकिया ओके अंशुल जदौन तो बच्चों इसका आंसर डी है फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी चलो ठीक है नेक्स्ट ओके आपको पता ही है कि जो कांग्रेस है कांग्रेस की स्थापना उन्नीस में हुई थी एओ ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना जो शुरुआत में हुई तो उसका कोई मोटिव नहीं था जैसे कि स्वराज पूर्ण स्वराज उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं था उसका क्या मोटिव था जस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करना फॉर पॉलिटिकल आपके कह सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज, ओके बट फिर हम देखते हैं विद टाइम जो आईएनसी है उसने अपना मोटिव चेंज कर दिया उसने एक मोटिव लिया पूर्ण स्वराज का ठीक है आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं और आंसर देना है आप प्लीज पढ़ लीजिए स्टेटमेंट The पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लाहौर सेल्ड इन दिसंबर में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिनियम में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया दूसरा पॉइंट कांग्रेस कार्य समिति जो 2 जनवरी 1930 को मिली जिसने तय किया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाना ठीक है।, है तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा ओके हाँ बच्चे मैंने बताया बोल दिया 1885 चलो सॉरी वो निकल गया होगा ओके यस चलो इसका आंसर देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लाहौर सेशन में ही क्या हुआ था पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज का क्या था प्रस्ताव पारित किया गया था तो ये बिल्कुल एक पॉइंट है जिसपे कोई भी डाउट नहीं कर सकता ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए ठीक है तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ओके और 26 जनवरी 1930 को हमने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया हमने मतलब आई ने और फिर हम देखते हैं कि जब हम आजाद हो जाते हैं 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं ठीक है इसीलिए हमने 26 जनवरी को चूज किया क्योंकि क्योंकि वे बैक इन 1930 इस दिन हमने अपना प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था तो इसका आंसर क्या हुआ इसका आंसर सी हुआ, देखता हूं किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया है हर्षवर्धन कह रहे हैं बोत आर ग्रेट मनीष यादव भी बोहत आर ग्रेट कमल हरीश राणा ओके बहुत सारे बच्चों ने सभी बच्चों ने इसका आंसर बी ही दिया है वेरी गुड बच्चों की बेटा ओके चलो एक मूवमेंट था कुका कुका. ठीक है अब यह बताना है कि जो कुक्का मूवमेंट है वो निम्न में से किस राज्य में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था ठीक है द कुका मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ असम बंगाल पंजाब और महाराष्ट्र ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इसका आंसर प्लीज इसका आंसर दीजिए कुछ बच्चे गांधी जी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई बुक्स हो फ्रीडम फाइटर्स की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी 1985 से 1947 तक सब इंपॉर्टेंट है ओके इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं असम कोई ए बता रहा है कोई डी बता रहा है अच्छा बच्चों अच्छा, मैं बताता हूं कुक्का मूवमेंट का मेन रीजन क्या था कुक्का मूवमेंट का जो मेन रीजन था वह था जो सिख धर्म है सिख धर्म में जो उस समय में जो कुरूतियां रही होंगी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मेल प्रैक्टिस रही होंगी उन्हें दूर करना तो आई होप आपको इससे इसका आंसर मिल गया होगा ठीक है तो अभी आंसर टाइप करना शुरू कर देते हैं इसका आंसर टाइप करना शुरू कर देते हैं सी तो बच्चों का आंसर सही आ गया तो ऐसे ही हमें याद भी करना होता है ठीक है तो कुक्का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पंजाब में पंजाब में सिख में ही एक अलग से एक सेक्ट था जिनका नाम था नामधारी ठीक है उन्होंने क्या किया था उन्होंने सिख धर्म में जो कुरूतियां फैली थी जो मेल प्रैक्टिस फैली थी उन्हें दूर करने का कार्य किया था पंजाब ओके नेक्स्ट इसे देख लेते हैं ओके तो बड़े बड़े सिंपल से क्वेश्चन भी लाया हूं ये बताना है आपको जब भारत को आजादी मिली थी उस समय यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन था यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन था ओके बच्चे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये ओके हु प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ओके मैं आपको एक और चीज बता दूं यूके में जनरली दो पार्टीज गवर्न करती थी एक थी आपकी आई थिंक कंजरवेटिव पार्टी एक थी लेबर पार्टी और कंजरवेटिव पार्टी इंडियंस के जनरली विरुद्ध रहती थी बट एक पार्टी ऐसी भी थी जो इंडियंस के साथ क्या रखती थी थोड़ी सी वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी अपने दिल में देखो थे तो सब अंग्रेजी ऐसा तो कोई नहीं था कोई हमारा भला कर दे एक होता है सॉफ्ट कॉर्नर रखना कि हाँ हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी तो 1947 में जब हमें आजादी मिली तो कंजर्वेटिव पार्टी के चर्चिल को हटा दिया गया था और बनाया गया था पीएम तो सभी बच्चे इसका आंसर विंस्टन चर्चिल नहीं बच्चे चर्चिल नहीं था अंशुल अंशुल कह रहे हैं इसका आंसर क्लेमेंट एटली है ओके सचिन सिंह कह रहे हैं मंजीत कुमार भी इसका आंसर बी बता रहे हैं ओके तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बी बता रहे हैं क्योंकि इसका आंसर बी ही है क्योंकि इसका आंसर बी ही है इसलिए बच्चे इसका आंसर बी बता रहे हैं ठीक है ऐसे ही बच्चे ओके बच्चों जितना होगा मैं ट्राई करूंगा ओके बच्चों चलो ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं ओके खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय आपको पता ही है कि खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू हुआ था ठीक है और खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने का मेन रीजन था कि अंग्रेजों ने जब टर्की को हरा दिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्योंकि उस समय टर्की टर्की किस साइड था टर्की जर्मनी की साइड था और जब अंग्रेजों ने जर्मनी को हराया तो टर्की भी ऑटोमेटिकली हरा और वहां पे एक आदमी था जिसे वो बोलते थे टर्की का जो सुल्तान था जिसे बोलते थे खलीफ या खलीफा मुस्लिम उन्हें अपना लीडर मानते थे मतलब कि दुनिया भर के जो मुस्लिम हैं, वो टर्की के जो प्रिंस थे जो राजा थे, थे। उन्हें अपना लीडर मानते और जब ब्रिटिश ने टर्की को कैप्चर कर लिया तो इंडिया में जो मुस्लिम थे उन्होंने भी पे एक आंदोलन शुरू किया कि जो खलीफ सिस्टम है जो बंद हो गया है आप उसे पुनः शुरू करो ओके इसलिए इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ आपको बताना है कि किसने शुरू किया ओके ओके बच्चों खलीफा ओके बच्चे बग्गा गुजर सिंह ए अली हर्ष राणा सिंह अली ब्रोज बग्गा गुजर ए मनीष यादव सिंह अली ब्रदर्स ओके अली बंधु बता रहे हैं अली बंधु अली ब्रदर्स ओके बच्चों तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था मोहम्मद अली जिन्ना जो बच्चे बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत क्वेश्चन है गलत आंसर है सॉरी ठीक है ये बिल्कुल नहीं होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं होगा फखरुद्दीन अली नहीं होगा अली ब्रदर्स इसका सही आंसर है आपने दो अली ब्रदर्स के नाम सुने होंगे मोहम्मद अली शौक मोहम्मद अली एंड शौकत अली ये दो ब्रदर्स थे जिन्होंने भारत में खिलाफ खिलाफत मोमेंट शुरू किया और गांधी जी ने क्या किया 1920 में एनसीएम शुरू किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ठीक है असहयोग आंदोलन शुरू किया था और फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन मिल गया था क्यों क्योंकि गांधी जी ने इसे अपॉर्चुनिटी लिया कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिले ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ओके सिंपल सा क्वेश्चन है भले बल, ही यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में कुछ लिखा हो एक बंदा फ्रेंच से आया था एक बंदा फ्रांस से आया था फ्रांस का खोज करता था जिसने सम्राट शाहजहां के दरबार का दौरा किया था और तख्त है तोस या जिसे बोलते थे पिकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन के बारे में विवरण दिया था आपको बताना है वो निम्न में से कौन सा व्यक्ति था जिसने पिकॉक थ्रोन के बारे में या मयूर सिंहासन के बारे में विवरण दिया है ओके हर्षवर्धन बिल्कुल सही बोला बच्चा ओके ओके ब, बच्चे कह रहे हैं कि जैन ब, बैप्टिस्ट है। जैन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर जैन बैप्टिस्ट ट्रवेनियर बोल रहे हैं बच्चे बहुत सारे बच्चे ओके आ, बिहारी कमल कांत शाख किया ए हंड्रेड परसेंट मनीष यादव बहुत सारे बच्चे इसका आंसर हंड्रेड परसेंट ए बोल रहे हैं यस बच्चों जिन बच्चों ने भी इसका आंसर ए दिया है जिन बच्चों ने भी इसका आंसर ए दिया है वो बिल्कुल, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कीप इट अप कीप गुड वर्क अप तो देखो पानीपत की लड़ाई हुई थी वी ऑल नो ठीक है पानीपत की तीन लड़ाई हुई थी और ये तीसरी बैटल के बारे में बात हो रही है पहली लड़ाई सबको पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा हुई थी फर्स्ट वाली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा हुई थी पानीपत में हुई थी किस वर्ष हुई थी 1526 में हुई थी किसके बीच में हुई थी बाबुर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में बाबुर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में तो पहली बैटल ऑफ पानीपत से या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से मुगल ने अपना यहां पे शासन को मतलब क्या किया स्थापित किया ठीक है फिर हमें सबको पता है कि सेकंड बैटल कब हुई थी 1556 में हुई थी किसके बीच में हुई थी हेमू के बीच में वर्सेस अकबर तो बड़ी बड़ी बात तो यही है बट अकबर खुद नहीं लड़ा था क्योंकि अकबर तो बहुत छोटा था अकबर की साइड से कौन लड़ा था बैरम खान लड़ा था ठीक है तो दूसरा हो गया और ये है तीसरा और आपको बता दूं कि तीसरा किसके बीच में हुई थी मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ठीक है किसके बीच में मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में आप यहां पर स्टेटमेंट देखेंगे नादिर शाह का हमला नहीं तो जिसमें भी तीन है वो अहमद शाह अब्दाली था जिसमें भी तीन है वो आंसर ही नहीं है ओके अब ट्राई टू आंसर ट्राई टू आंसर राइट right आंसर जिन बच्चों ने भी इसका आंसर डी दिया है वो सही नहीं दिया है नादिर शाह नहीं था वो अहमद शाह अब्दाली था ओके, अब बच्चे बोल रहे हैं बी सुरेंद्र गुजर हिंद हर्षवर्धन बी अंशुल बच्चों सी नहीं होगा नादिर शाह बाहर निकाल दिया हमने ओके कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया उत्तर पश्चिमी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकीकरण बच्चों एक चीज बच्चो और बता दू सत्रह का जो पीरियड है हमें पता ही है सत्रह में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी प्लासी का युद्ध हुआ था और सत्रह में बक्सर का युद्ध हुआ था और ये दोनों किस साइड हैं ये पूर्वी साइड है ये दोनों पूर्वी साइड है और ये क्या बोल रहा है उत्तर पश्चिमी साइड बोल रहा है ठीक है तो उस समय पूर्व की साइड पर कैप्चर कर रही थी अंग्रेज ठीक है ना कि उत्तर पश्चिमी साइड तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है अगर हमें पता है कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर किस वर्ष हुआ था तो दो स्टेटमेंट गलत हो गए बचा एक उसे ऊपर वाला पता हो या ना पता हो हमें पता है इसका आंसर क्या है ओनली वन ओ वेरी गुड हर्षवर्धन बिल्कुल सही बता रहे बच्चों अभिषेक सिंह ने सही बताया ओके okay, सभी बच्चों ने इसका आंसर ए बताया ओके okay, बच्चो वेरी वेरी गुड ठीक है कीप द गुड वर्क अप इन विच कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाई नेहरू कमेटी सबको पता है नेहरू कमेटी क्या हुआ था साइमन कमीशन आया था अब इंडिया में जब साइमन कमीशन आया तो उसे हमने टास्क दिया ब्रिटिशर्स ने कि आप हमारे लिए संविधान लिखो बट भारतीयों को यह चीज नहीं गुजरी क्यों क्योंकि उसमें एक भी नॉन ब्रिटिश नहीं था यानी कि हम नहीं थे अब आप सोचो कि वह हमारे लिए संविधान के सिद्धांत को डिसाइड करने के लिए आए थे और उसमें एक भी भारतीय नहीं था तो हमने साइमन साइमन को बोला गो बैक अब इस चीज का बुरा लग गया उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड डिकन हेड को उन्होंने हमें चैलेंज दिया कि आप लिख के दिखाओ कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत में जितनी भी पार्टीज थी उन्होंने क्या किया एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया ठीक है जिसे बोलते हैं ऑल पार्टी मीटिंग सारी पार्टीज को मिलके और हमने क्या की हमने एक मेंबर को चूज किया जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू और हमने क्या किया हमने अपने संविधान के सिद्धांत को डिसाइड करना शुरू किया आपको बताना है कि वह रिपोर्ट वह जो रिपोर्ट थी यहां तो पता नहीं क्या लिखा है ओके वह जो रिपोर्ट थी किस वर्ष शुरू हो गई ओके बच्चे उन्नीस बोल रहे हैं सुरेंद्र गुजर वीडियो पोज हो रहा है बच्चे तुम्हें ही दिक्कत आ रही है और किसी का नहीं हो रहा है आई थिंक अंशुल जोन बग्गा गुजर सिंह सी ओके बच्चों चलो ठीक है 1926 नहीं है 1917 नहीं है 1929 नहीं है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे सांस लेना हमें पता होना चाहिए उसमें नेहरू रिपोर्ट भी है 1928, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और ये जो नेहरू है ये जो नेहरू है ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है यहाँ पे मतलब इसका इसका मतलब है मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे ठीक है उनकी चेयरमैनशिप में ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई ठीक है चलो नेक्स्ट ओके तो एक सभा है जिसे बोलते हैं तत्वबोधनी सभा हिंदी में कुछ गलत लिखा है कोई बात नहीं एक सभा थी तत्वबोधनी सभा आपको बताना है कि तत्व बोधनी सभा निम्न में से किस व्यक्तियों ने चौथा ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं ना होने दो निम्न में से किस व्यक्ति ने तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी और यह बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों अच्छा अब बताओ मुझे आपको प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है अब बताओ प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही है मनीष यादव देखो बच्चों, चलो ठीक है तत्व बोधनी सभा आपको पता ही है एक था ब्रह्मो समाज ब्रह्मो समाज की स्थापना उन्नीस अट्ठारह में किसने की थी राजा राम मोहन रॉय ने की थी बट जब राजा राम मोहन रॉय का निधन हो गया ब्रिस्टल लंदन में फिर क्या हुआ ब्रह्मो समाज अनाथ हो गया जिसे संभाला किसने देवेंद्र टैगोर ने संभाला ठीक है और देवेंद्र टैगोर ने ही क्या की तत्व बोधनी सभा की स्थापना की इसका आंसर क्या है बी इसका आंसर है बी और ऐसे क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं और ये हमें जरूर पता होने चाहिए अंशन जदौन शाश्वत कुमार सब बच्चों ने सही आंसर दिया है वेरी गुड कीप बेटा अप हर्षवर्धन कह रहे हैं बफर हो रहा है कोई बात नहीं चेक करके बताते हैं बच्चों चेक करके बता दें डोंट वरी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ओके विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेट रिवोल्यूशनरी वॉज द ब्रेन बिहाइंड द चिटगांव आर्मरी रेड देखो चिटगांव में एक शस्त्र घर था चिटगांव में एक शस्त्र घर था बच्चों नेट की प्रॉब्लम है प्लीज मैनेज नेट की प्रॉब्लम है प्लीज मैनेज प्लीज मैनेज नेट की प्रॉब्लम है थोड़ा सा थोड़ा सा वेट कर लो अगर कुछ नहीं होता तो देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं ठीक है तो एक चिटगांव जगह थी कहा थी ये बंगाल में एक जगह थी चिटगांव जहां पे था अंग्रेजों का शस्त्र घर वहां पे हमारे जो ग्रेट रिवोल्यूशनरी थे उनमें से कोई है चंद्र गणेश घोष है या चंद्रशेखर आजाद है या सूर्यसेन या लाला हरदयाल जिन्होंने चिटगांव में आर्मरी रेड की थी आपको उनका नाम बताना है कमान ओके okay, शिवम फौजदार सिंह सी कमलकांत शाकिया अंशुल जदौन सिंह बी सुरेंद्र गुजर कोई बात नहीं बच्चे देखो नेट की प्रॉब्लम हो रही है वी कान डू एनी थिंग आप बने रहे आप बने रहे ओके ओके बच्चों चलो ठीक है जो भी बच्चे इसका आंसर सूर्य सेन दे रहे हैं जो भी बच्चे इसका आंसर सूर्यसेन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं इसका सही आंसर सूर्यसेन ही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ओके चलो ठीक है ओके okay. अंग्रेजों का एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था या हिंदी में से बोलते हैं सहायक गठबंधन प्रणाली सब्सिडरी अलायंस ठीक है इसे बोलते हैं सहायक गठबंधन प्रणाली आई थिंक ये शुरू की थी लॉर्ड वेलेसली ने ठीक है आपको यह बताना है कि यह जो सहायक गठबंधन प्रणाली है देखो अंग्रेजों का जो मेन मोटिव था वह था भारतीय राज्यों पर कब्जा करना ठीक है तो सबसे जो सिंपल सा तरीका है आप युद्ध करो और उसे कैप्चर कर लो बट युद्ध में पैसा लगता है जाने लगती है ताकत लगती है तो कोई ना कोई अलग तरीका अजमा के हम अंग्रेज भारतीयों का राज्य हड़प सकते थे अंग्रेज जैसे कि लॉर्ड डलहोजी का आपने देखा होगा डॉक्ट्राइन ऑफ ऐसे ही एक सब्सिडरी अलायंस थी जिसके तहत अंग्रेज क्या करते थे अंग्रेज कहते थे कि आओ हम आपकी सहायता करते हैं और आपको क्या करना है आपको भी बदले में कुछ फेवर देना है जैसे कि क्या फेवर मांगते थे वो कि जो हमारी आर्मी है आपके राज्य में रहेगी आप उसकी देखभाल करना आप क्या नहीं कर सकते आप अंग्रेजों को छोड़ के किसी और यूरोपियन को अपनी सभा में नहीं रख सकते ठीक है और आपको क्या करना होगा अपनी सभा में एक अंग्रेज को इन्वॉल्व करना होगा ठीक है तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ये आगे पहुंच गया ओके ठीक है तो देख लेते हैं इट वॉज अ इंग्लिश इन्वेंशन यह अंग्रेजों का आविष्कार था नहीं बच्चों फ्रांस वालों ने पहले ही इंडिया में अजमा लिया था तो पहला स्टेटमेंट गलत है और जो भी जो भी स्टेटमेंट में वन है वो गलत है अब बचे बी एन सी अब बचे बी एन सी ओके इट टू कवे द राइट्स ऑफ इंडियन रूलर्स इन द मैटर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बिल्कुल सही बात है उन्होंने कहा कि भाई साहब आप क्या करो आप अपने फॉरेन अफेयर्स हमें दे दो आप जस्ट हमारी सुजी में रहो कोई कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको आप पे कोई हमला नहीं करेगा कैसे देखो अगर हम कहें कि देहरादून और मसूरी दो अलग रियासतें थी उस समय पे तो मसूरी को जाके बोलते थे कि देहरादून अटैक करने वाला है देहरादून को बोलते थे मसूरी अटैक करने वाला है दोनों से सहायक संधि कर ली दोनों को कब्जा लिया ठीक है तो ये बिल्कुल सही बात थी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ओके तीसरा इट हैड नो से इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियन स्टेट भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में कुछ नहीं कहना था नहीं बिल्कुल गलत है क्योंकि वह अपना एक आदमी उस राज्य की सभा में छोड़ दिया करते थे जिसका काम क्या होता था जिनका काम होता था देख रेख करना मतलब कि आपके बाहरी मामले तो वो देख ही रहे थे आंतरिक मामलों में उनकी पूरी नजर थी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और इसका आंसर क्या है टू देखता हूं कि बच्चों ने शिवम फौजदार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ओनली टू बता रहे हैं ओके मनीष यादव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है सी बताया उन्होंने जिनमें बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे कीप इट अप कीप इट अप चलो ठीक है नेक्स्ट ओके okay, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है यह क्वेश्चन रीजनिंग का है ना कि यह हिस्ट्री का है ठीक है चलो देख लेते हैं निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों पर विचार कीजिए ठीक है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो कब हुई थी या काकोरी कांड कब हुआ था 1925 में हुआ था काकोरी करके एक स्टेशन था लखनऊ सहारनपुर के रास्ते में जिसे क्या किया हमारे यहां के क्रांतिकारियों ने जिसमें अंग्रेज का पैसा जा रहा था वो लूट लिया ठीक है और उसे बोलते हैं काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति थे जो इस संबंध में क्या थे जो इसमें जिन्होंने ये कांड किया ओके okay. आपको एक चीज बताई थी मैंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी और उनका जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था वो काकोरी ही था तो राम प्रसाद का होना बहुत जरूरी है ठीक है एक हिंट मैंने दे दी है दूसरी हिंट आप अपने आप ले लो देर इज नो फोर्थ ऑप्शन बच्चे फोर्थ ऑप्शन है यहां पे है मनीष यादव फोर्थ ऑप्शन है बच्चे यहाँ पे ओके तो रीजनिंग क्या है ाम बोस और प्रफुल्ल चक्की आपको ये दो नाम याद होंगे बट ये दो नाम 1925 में याद नहीं आएंगे 1908 में याद आएंगे किंग्स फोर्ड करके बिहार का एक जज था जिसके ऊपर इन्होंने बॉम्ब फेंका था तो ये 1908 के अभिनेता थे 1908 के तो इन्हें बाहर निकाल दो आंसर आ जाएगा जिसमें भी फोर है वो आंसर नहीं, नहीं है जिसमें भी फोर है वो आंसर ही नहीं है और अच्छा फोर्थ है ही नहीं ओके थर्ड अच्छा सॉरी पता नहीं इसमें चौथा क्या होगा आप फोर्थ को निकाल ही दीजिए फोर्थ को हर जगह से निकाल दीजिए और जिसमें भी थ्री है वो आंसर ही नहीं है इसमें थ्री है इसमें भी थ्री है और इसमें भी थ्री है तो इसका आंसर क्या हुआ इसका आंसर वन ओनली नहीं बच्चों ये गलत है इसके ऑप्शंस गलत हो रखे हैं इसका आंसर है राम प्रसाद मिसमिल एंड अशफाक उल्ला खान ठीक है वन एंड टू इसका आंसर है ऑप्शन में हो या ना हो इसका आंसर वन एंड टू है बट कुराम बोस कहीं और से जुड़े हुए हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके okay, आर्य समाज आपको पता है आर्य समाज विभाजित होकर दो भागों में डिवाइड हो गया था अच्छा एक थे लाला हंसराज लाला हंसराज कहते थे कि जो शिक्षा दी जाए वो इंग्लिश में दी जाए और एक थे स्वामी स्वामी सहजानंद ठीक है वो कहते थे कि जो विद्या है वो संस्कृत में दी जाए ठीक है और फिर हम देखते हैं कि एक ने तो डी स्टैब्लिश कर लिया लाहौर में और एक ने गुरुकुल कर लिया हरिद्वार में ठीक है तो इन्होंने कहा कि जो आर्य समाज था वो दो भागों में बट गया था निम्न में से कौन से रीजन थे ठीक है चलो ठीक है जो स्वामी सहजानंद वाले थे वो कहते थे कि वेजिटेरियनिज्म होना चाहिए क्या होना चाहिए वेजिटेरियनिज्म शाकाहारी होना चाहिए और जो लाला हरदयाल थे वो कहते थे तो कुछ करो ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो लाला हरदयाल थे वो कहते थे कि शिक्षा इंग्लिश होनी चाहिए बट जो स्वामी थे वो कहते थे संस्कृत होनी चाहिए तो ये जो दो ऊपर के जो रीजन है ये बिल्कुल सही है बाकी आर्य समाज तो कहता ही था कि रिलीजियस कन्वर्जन और शुद्धि सही है इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदास वेदों वेद क्या है वेद बिल्कुल भी गलत नहीं है ये बात सभी बोलते थे और इसका आंसर क्या होगा ए वन एंड टू मनीष यादव सेइंग टू यस वन एंड टू मनीष यादव इज परफॉर्मिंग वेरी वेल ओके बच्चों बहुत अच्छा आप आंसर कर रहे हो इट अप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपको इसकी पीपीटी मिलेगी हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं थोड़ा भगा के कर रहा हूं ठीक है चलो ठीक है ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है आई वॉन्ट हेल्प यू आपको खुद की हेल्प करनी है देखते हैं कौन इसका आंसर करता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ट्राई टू आंसर इट जदोन आई आई नो बच्चे प्रॉब्लम हो रही है बट वो इंटरनेट की प्रॉब्लम है और इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है कोई बात नहीं कल से नहीं होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम को झेल जाओ ठीक है कमलकांत आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताना है शाश्वत कुमार ए अंशुल जदौन सिंह बी अमित कुमार सिंह बी Okay. बहुत सारे बच्चे ए आंसर कर रहे हैं ए आंसर कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है इसका आंसर ए नहीं है और कुछ बच्चों ने इसका आंसर अंशुल जदौन ने भी बोला अमित कुमार ने भी बोला उन बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था एक ब्रिटिश ही था उनका नाम था लॉर्ड माउंट बट फिर सी राजगोपालचार्य किस चीज का क्वेश्चन है किस चीज का आंसर है देखो अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो इट इज लॉर्ड माउंट बेटन बट अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का तब आपका सी राजगोपालचार्य तो जब हम आजाद हुए तो हमने लॉर्ड माउंट को ही कहा कि आप ही हमारे गवर्नर जनरल के पद पर रहो ठीक है फिर हमने क्या किया एक भारतीयों को बना दिया जिसका नाम था सी राजगोपाल सभी बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है मनीष यादव और कमाल कांत क्या बहुत अच्छे बच्चे अभी भी ए मनीष बच्चे ए... मनीष यादव मैंने बता दिया है ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे बट अगर कोई आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था इट इज लाउड लॉर्ड माउंट बेटन ठीक है इसे बहुत याद रखना इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके उसमें डाला था भारतीय और भारतीय के बगैर ये था ओके okay. आपको पता ही था कि सांप्रदायिक सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड दिए गए थे अच्छा ब्रिट, ब्रिटिशर्स ने हमें बुलाया कहां पे गोल में सम्मेलन जिसे हम बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में जिसमें वो बात करना चाह रहे थे कि हमारे संविधान के प्रिंसिपल्स क्या होंगे तो भारत के सभी लोगों को वो इनवाइट करते थे जिसमें से आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक पार्टी थी बट आपको पता ही है गांधी जी गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और बाद में वहां पे अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग गए थे जैसे दलितों के लिए वहां पे अंबेडकर गए थे महिलाओं के लिए सरोजनी नायडू गई थी मुस्लिम्स के लिए मोहम्मद अली जिन्ना गया था तो वहां पे सभी जो वर्ग था वो गया होता और आईएनसी बोलती थी कि नहीं हम ही सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आप किसी को मत बुलाओ आप सिर्फ हमें बुलाओ ठीक है अब भले ही सभी लोग कितने महान हो जाए अंबेडकर हो जाए मोहम्मद अली जिन्ना है चाहे सरोजनी नायडू बट वो वहां पे सब करने क्या गए थे अपने अपने वर्ग की बात करने गए थे और अंग्रेज क्या चाहते थे अंग्रेज भारत को इतने टुकड़ों में तोड़ना चाहते थे कि हम कभी जुड़ ही ना पाए ठीक है इसी के लिए उन्होंने कम्युनल अवार्ड लाए सांप्रदायिक आवंटन जिसे बोलते हैं अब कम्युनल अवार्ड में क्या होता था उन्होंने जैसे 1909 में हमने देखा कि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम दिया इसमें उन्होंने सबको दे दिया वर्कर्स को महिलाओं को एस सी को सबको और ये भारत को तोड़ने का प्रोग्राम था इसके पीछे था एक पर्सन जिसका नाम था मैकडोनल्ड जिसका नाम था मैकडोनल्ड और इसकी वजह से ऐसा हुआ देखो देखता हूँ बच्चों ने सही आंसर दिया है मोहित कुर्खा सी कुशाल मरकम ओके शाश्वत कुमार साले सिंह भी ओके ठीक है बच्चों ठीक है बच्चों इसका आंसर मैकडोनल्ड है ठीक है जिन बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है कोई बात नहीं आप प्लीज देख लो और अगली बारी गलत हमें नहीं करना है ओके आपको पता है अंग्रेज हमारे लिए संविधान बनाने के लिए बोल रहे थे जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो उन्होंने क्या किया उन्हें चाहिए था इंडिया वालों के वॉर एफर्ट्स कि इंडिया वाले हमारी साइड से वर्ल्ड वॉर सेकंड को लड़े तो उन्होंने हमें समय-समय पर ऑफर्स दिए जैसे 1940 में अगस्त ऑफर 1942 में क्रिप्स मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन 1945 में वेवल मिशन तो ये सब करने क्या आ रहे थे भारत के लिए जो हमारी कांस्टेंट असेंबली थी या संविधान सभा थी उसे बनाने का प्रस्ताव लेके आ रहे थे ठीक है तो क्रिप्स मिशन भी आया कौन से वर्ष में आया 1942 में क्रिप्स मिशन आया 1942 में 1942 में कौन आया क्रिप्स मिशन आया 1942 तो आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक ड्रोन ऑन अ फॉलिंग बैंक उन्होंने बोला कि यह चेक कैसा है कि यह डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है मतलब कि आप कभी इसे भुनाओगे आगे जाके और यह स्टेटमेंट क्रिप्स मिशन के बारे में किसने बोला आप बच्चे आंसर कर सकते हो शाश्वत मोहित कुर्का ओके okay बच्चों जल्दी से आंसर करो इसका आंसर किसने इसे बोला इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक यस ओके बच्चो इसका आंसर क्या है सी महात्मा गांधी मुझे लग रहा है कि इंटरनेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है विजय सिंह इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम है कोई बात नहीं बच्चों कल से नहीं होगी प्रॉब्लम ओके चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें कुछ हेल्प नहीं होगी आपको इसका आंसर करना है आपको इसका आंसर करना एम एन रॉय फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद ताशकंद क्या है उज्बेकिस्तान की कैपिटल है वहां पे निम्न में से एम एन रॉय जो है एक व्यक्ति थे उन्होंने क्या की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी आपको उसका वर्ष बताना है 1915, 1918, 1920, 1925 ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, है बच्चों बहुत प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक बहुत प्रॉब्लम हो रही है ओके okay, बच्चो क्या आंसर है इसका इसका आंसर है 1920 इसका आंसर है 1920 बच्चों ये प्रॉब्लम इंटरनेट की है कोई बात नहीं बच्चों 1920 में देखो बच्चों 1925 सौ पच्चीस अंशुल जदौन जो आप 1925 बोल रहे हैं उसकी स्थापना भारत में हुई थी अगर वहां पे आपको ताश मिलेगा तो ताश में एम एन रॉय ने स्थापना की थी अच्छा ये जो कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में स्थापना हुई थी वो तमिलनाडु की पार्टी है ठीक है ये में ये में बनी थी एम एन रॉय ने ही बनाई थी और एम एन रॉय वही वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में संविधान सभा बनाने वाली पहली बार बात की थी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके चलो एक दो क्वेश्चन ये तो आपको मिल जाएंगे आपको पता ही है राजा राम राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था बच्चों मेरी आवाज पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है मेरी आवाज पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है ओके okay. हमें चलो कोई बात नहीं मैं तो आई थिंक आपके आंसर भी नहीं आ रहे कोई बात नहीं इसका आंसर, करेक्ट आंसर है अकबर सेकंड अकबर सेकंड ने क्या किया था अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था ठीक है याद रखना कोई बात नहीं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा आपको पता ही है भारत में सिंचाई होती है सिंचाई के बहुत तरीके हैं नहरों द्वारा ट्यूबवेल्स द्वारा या टैंक्स द्वारा या लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन मतलब क्या होता है पानी को लिफ्ट करके सिंचाई करना ओके। okay. आपको बताना है कि भारत में जो सिंचाई होती है जो इरिगेशन होती है वो निम्न में से सबसे ज्यादा किसके द्वारा होती है ओके okay. यस yes, बच्चों मुझे पता आई नो इट इज बफरिंग आई नो इट इज बफरिंग बट इट इज आउट ऑफ माई हैंड ओके बच्चो यस yes. try to answer it in india we irrigate and we use canals tubewells tanks lift irrigation aapko batana hai ki maximum kiska use karte hain hum wells ka use karte hain maximum Tube wells ka use karte hain aur kitne percent india mein 46 percent लगभग 50 परसेंट जो सिंचाई होती है वह है ट्यूबवेल द्वारा होती है ठीक है किसके द्वारा होती है well के द्वारा होती है ओके okay. क्वेश्चन है आपके सामने यह आपके सामने क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन रीजनिंग का है यह क्वेश्चन देखने में देखने में ज्योग्राफी का है वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है पूछो कैसे इसमें बोला है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है छिड़काव तो छिड़काव द्वारा सिंचाई प्रणाली निम्न में से किस पर बेनिफिशियल नहीं है किस पर बेनिफिशियल नहीं है निम्न में से किस पर बेनिफिशियल या प्रभावी नहीं है ओके आपको ये पता होना चाहिए कि जो धान की खेती होती है उसे सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो धान पर आप छिड़काव करके या स्प्रिंकलर से एक स्प्रिंकलर एक एक जॉइंट टाइप आता है जो पानी को छिड़कता है तो धान पे तो नहीं चलने वाला क्योंकि धान को तो डूबना होता है ठीक है तो रीजनिंग कहती है कि धान की खेती जिसमें भी तीन है वो आंसर ही नहीं है जिसमें भी तीन है वो आंसर ही नहीं है और तीन देखो किसमें है इसमें है इसमें है आंसर इस इस नहीं है ठीक है तो इसका बट हमें क्या बताना है नॉट बेनिफिशियल तो हमें यह नहीं बताना कि किसमें जरूरत है हमें बताना है कि किसके लिए जरूरी नहीं है तो देखो धान के धान के केस में क्या होगा धान के केस में यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है क्योंकि धान को पानी ज्यादा चाहिए इसका आंसर होगा थ्री एंड फाइव क्योंकि जूट जूट को भी बहुत पानी चाहिए और राइस को भी बहुत पानी चाहिए तो छिड़काव से काम नहीं चलेगा इन्हें चाहिए बहुत ज्यादा पानी ओके ओके तो जिन बच्चों ने भी इसका आंसर थ्री एंड फाइव दिया है उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है आई नो कि आप थोड़ा हम आगे पीछे चल रहे हैं बफरिंग हो रही है कोई बात नहीं आज जो भी हुआ कोई बात नहीं कल को हम सेम टाइम पे मिलेंगे और अच्छे से करेंगे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता ही है आपको यस yes, अंशुल जदौन बच्चे सही कह रहे हो ओके okay. चाय के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता चाय को रुका हुआ पानी पसंद नहीं है चाय को रुका हुआ पानी या बहुत तेज पानी पसंद नहीं है उसे छिड़काव पसंद है या थोड़ा पानी पसंद है तो रीजनिंग यह कहती है कि क्योंकि हमें जूट जूट आपको पता है जूट सबसे ज्यादा जूट का जो उत्पादन होता है वो होता है बंगाल के एरिया में जहां पे गंगा अपना डेल्टा बनाती है तो पानी पानी चाहिए जूट को पानी पानी चाहिए राइस को छिड़काव वाला जो सिंचाई का तरीका है वो उनके लिए बेकार है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं तो मैंने यहां पे कुछ रिवर्स लिखी हैं और कुछ सहायक नदियां लिखी हैं कुछ रिवर्स लिखी हैं कुछ सहायक नदियां लिखी हैं आपको बताना है कि कौन सी रिवर की कौन सी सहायक नदी है ओके जिसे भी ये ओके ठीक है बच्चों तो हमें जाना है सबसे आसान के साथ ओके और सबसे आसान क्यों है कि कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कृष्णा रिवर की सहायक नदी है तुगाबांद्रा तो बी का आंसर 4 होना चाहिए और देखो बी का आंसर 4 एक में ही है तो एक नदी पता होने से सारे आंसर निकल गए सिर्फ एक नदी हमें पता थी उससे सारा आंसर निकल गया कि तुगाबांद्रा कृष्णा रिवर की सहायक नदी है ओके और भी देख लेते हैं गोदावरी की इंद्रावती है नर्मदा की हिरान रिवर है और कावेरी की कामिनी काबिनी रिवर है इसका आंसर डी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके आपको बताना है कि गोदावरी की निम्न में चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है okay. आपको बताना है वेन गंगा प्राणहिता या घटप्रभा काम्बिनी या अमरावती पैन गंगा या इंद्रावती आपको गाव का गोदावरी नदी की आपको गोदावरी नदी की सहायक नदी बतानी है ठीक है चलो देख लेते हैं बच्चों देखो गोदावरी रिवर की जो सहायक नदी है जो सबसे फेमस सहायक नदी है वो है वेन गंगा और पेन गंगा वेन गंगा और पेन गंगा और जो दो में दिख रहा है वेनगंगा और पेन गंगा तो वन एंड फोर और आपको बता दूं कम्बिनी और अमरावती ये कावेरी रिवर की है कोई ना और घटप्रभा आई थिंक ये कृष्णा रिवर की है और वेनगंगा प्राणिता पेन गंगा इंद्रावती इसका सही आंसर है और इसका आंसर क्या हुआ वन एंड फोर सी वेरी गुड बच्चो जिसने इसका आंसर सी बताया ओके थैंक यू देखो बच्चों आज बहुत प्रॉब्लम हुई हमें ठीक है कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप भी कर दिए बहुत ज्यादा बफरिंग कर रही है क्योंकि यह इंटरनेट में प्रॉब्लम है हमारे हाथ में नहीं था ओके okay? आज बहुत कम लोगों ने वॉच किया कोई बात नहीं कल ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों को हम शेयर भी करेंगे और ज्यादा करेंगे मैं आपके लिए मेहनत करके आता हूं आप भी मेहनत करते अच्छा क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं आएंगे यहां पे जो आप पे चीजें नहीं आती वो सिर्फ आपको आपकी गलतियां बताना होता है कि आप पे ये नहीं हो रहा आप वहां पे जाओ उस चीज को देखो अगर आप पे सहायक नदियां नहीं आती तो सारी सहायक नदियां जाके चेक करो ये इसका मोटिव होता है ये थोड़ी नहीं होगा कि हमने अगर बताया वही आ जाएगा तो आपको हम एक तरीके का एक रोड मैप तैयार करते हैं कि हम इस चीज से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में भी इन्हीं चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम क्या करेंगे हम अपना आराम से बैठ के इस चीज को पढ़ेंगे ठीक है तो कल ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में जुड़ेंगे ओके okay? और ऐसे ही कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे कल जोग्रफी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन होंगे कल जोग्राफी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन होंगे बीच में एक दो इकोनॉमिक्स पॉलिटी क्वेश्चन भी डालने की कोशिश करूंगा ओके okay? कुछ स्ट्रेटेज जीके कुछ ईजी कुछ भारी और ऐसे ही लगे रहेंगे एग्जाम आपका आने वाला है एटीन को और एटीन को आपको एग्जाम को क्लियर ही करना है क्योंकि आपका जो मेन उद्देश्य है वो ऑफिसर बनना है ठीक है ओके चलो बच्चों ऑल द बेस्ट जय हिंद